जवाहरंग मंच पर रविवार को आदर्श जाट महासभा अजमेर इकाई और राजस्थान आदर्श जाट स्टूडेंट यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सावनलाल जाट थे, जबकि अध्यक्षता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी ने की। वहीं मुख्य वक्ता खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल रहे। इसके अलावा मंचासीन अतिथियों में सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, जिला कलेक्टर आरुषेय मलिक, सुबे सिंह चौधरी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मंचासीन अतिथियों का जाट महासभा की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुबे सिंह ने बताया कि सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज के युवाओं को आगे बढ़ाना है, ताकि सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को देखकर अन्य युवाओं में भी आगे बढ़ने की सोच जागृत हो। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सावनलाल जाट ने समाज की प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और मिमेंटोस देकर सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि रामेश्वर लाल डूडी ने कहा कि हर समाज को इस तरह के सम्मान समारोह आयोजित करने चाहिए, ताकि समाज के युवाओं को प्रोत्साहन मिले और शिक्षा के महत्व को समझकर समाज का नाम रोशन कर सके। आज हिंदुस्तान के अंदर जब हरित क्रांति आई थी, उस समय भी किसानों ने हरित क्रांति से हमारे देश का खाद्यान्न का भंडार भरा। देश में जो खाद्यान्न हमेशा आयात करना पड़ता था वो खत्म हुआ। उसके पीछे भी जाट समाज के लोग हैं। इन्होंने खेती बाड़ी दिन रात मेहनत करके और अलग जगह के ये काम किया है। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान और वतन के लिए मरने वाली अगर कौम है तो जाट समाज सबसे आगे है, पीछे नहीं। समाज के बच्चे जिन्होंने उच्च स्तर के पदों पे इस वर्ष कामयाबी हासिल की है, जैसे आरएएस, आईएएस, आरटीएस, आरजीएस, उनको एक सम्मान किया जाने का प्रोग्राम है, जिससे एक समाज में मैसेज जाता है कि हम उन प्रतिभाओं की ध्यान रखते हैं, उनकी कदर करते हैं जिन्होंने हमारे समाज का नाम ऊंचा किया है। साथ ही साथ जो नौजवान बच्चे हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर हम समाज, अगर हम इस तरीके के उच्च पदों पे हमारा सिलेक्शन होगा तो समाज हमारे को इसी तरीके से सम्मानित करेगी। प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती सहित गैंगवार जैसी घटनाएं आम बात होती जा रही हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लेकिन इन सबके बाद भी भाजपा सरकार का ध्यान प्रदेश और प्रदेश की जनता की तरफ है ही नहीं, ये कहना है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी का। डूडी रविवार को जाट समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर अतिथि शामिल होने अजमेर पहुंचे। सम्मान समारोह के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डूडी ने भाजपा सरकार को जमकर कोसा। डूडी ने भाजपा के 2 साल के कार्यकाल पर कहा कि प्रदेश में इन दिनों अराजकता का माहौल है, जिसके चलते बदमाशों के हौसले बुलंद है। यही वजह है कि पुलिस पर भी बदमाश हमला करने से नहीं चूक रहे। डूडी ने केंद्र और राज्य सरकार को राय देते हुए कहा कि जिस तरह से सेना में जवान की मौत पर उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसी तरह पुलिस के जवानों को भी बदमाशों के साथ मुठभेड़ में हुई शहादत पर शहीद का दर्जा देना चाहिए। इसके साथ ही डूडी ने स्वर्ण व्यवसायियों के आंदोलन को जायज ठहराते हुए केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई 1% एक्साइज और GST को स्वर्ण व्यापारियों के हितों पर कुठारा खाद बताया। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करीब 2.25 साल हो गए। इन 2.25 साल के अंदर पूरे राजस्थान में अराजकता का माहौल पैदा करने का काम किया है। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। आज जिस तरीके से पुलिस की कस्टडी से बहुत बड़ा गैंगस्टर जो है आनंदपाल भाग रहा है, जेलों के अंदर हथियार जा रहे हैं, उन हथियारों में जो है आपस में मुठभेड़ के अंदर 3-3 कैदी जेल के अंदर मारे जा रहे हैं, तो ये मतलब कहा जाना कहीं अतिशयोक्ति नहीं कि जेल के अंदर कैदी भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित होगा। हमने विधानसभा के अंदर रखा कि एक जो बॉर्डर का रक्षा करते हुए, हमारे देश की रक्षा करते हुए जो आर्मी का जवान जो है, एक सिपाही जो है शहीद हो जाता है, वहाँ जो पुलिस उसकी दो देशों के जो मुठभेड़ के अंदर उसमें मारा जाता है तो उसको शहीद का दर्जा देते हैं। तो इसी तरीके से पुलिस वालों को भी जो एक साहसिक कार्य करते हुए उन्होंने पीछा किया और वो जो है मारा गया उसमें, तो उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए और सरकार को आगे आकर उसकी पूरी मदद करनी चाहिए, तो एक पुलिस में जो मनोबल पैदा होगा। लेकिन सरकार का कहीं कोई सोच नहीं है स्वर्णकार समाज का, जो एक छोटा सा अपना रोजगार चलाता है, अपना धंधा करता है, उसे उसको जो रोजगार मिलता है उसको ना तो उस होलमार्क का पता है, ना जो है उसको एक्साइज ड्यूटी का, क्योंकि बहुत छोटा काम करता है। और जिस तरीके से सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो इन पे भार डाला है तो ये बहुत गलत है। आज पूरे देश के अंदर स्वर्णकार समाज जो सड़कों पे आ गया, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। सरकार का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि उनका कोई नुमाइंदा आकर
और इस समाज के बीच में बैठ के बात करता है कि आपकी क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना कोई भी सरकार हो सरकार का दायित्व और फर्ज बनता है।